खबर हरियाणा से, जहां दो निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया। देवेंद्र कादियान और राजेश जून का बीजेपी को समर्थन, तो धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में देखे दोनों ने समर्थन दिया है। दिल्ली जाकर बोले समर्थकों ने कहा कि भाजपा के पास अब 50 MLA हुए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब हरियाणा में दो निर्दलीय विधायकों का बीजेपी को समर्थन और हरियाणा में बहुमत में आई बीजेपी को दो निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दे दिया है। ये वही विधायक है जिन्होंने पार्टी में जब टिकट कटने पर विरोध किया था, उसके बाद निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। अब देखिए दो और विधायक जो कि अब बीजेपी के साथ, गन्नौर से देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से राजेश जून, इसको तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। राजेश जून हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, जिस तरह से आपने समर्थन दिया है बीजेपी को, क्या वजह रही है? सरकार बन रही है इसलिए या कुछ और वजह भी? इसमें दोनों ही नीतियां हैं, इसमें दोनों ही बातें हैं। नीति के हिसाब से देखें तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो भी बजट है, जो भी सरकार की तरफ से लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है, वो आम जन तक जाता है बीजेपी की सरकार में। एक चीज़ और है ना कि वोटर्स जो होंगे, क्या उनसे आपने राय मशवरा किया है? क्योंकि वोट तो उन्होंने ही दिया है और बीजेपी के अगेंस्ट ही किया है, क्योंकि आपने निर्दलीय जीत किया है जी। आपने अपने साथियों से ये मैंने सलाह करी है और हमने अपने बहादुर हल्के के विकास की चिंता है और विकास कराने के लिए भाजपा पार्टी की नीतियों को पसंद करते हुए मैंने अपना समर्थन बहादुर हल्के की तरफ से बीजेपी सरकार को देने का फैसला किया है। बहादुरगढ़ के विकास के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं आपने रखी? बहादुर में विकास कार्य का बहुत बुरा हाल है, सारे रोड टूटे पड़े हैं, कहीं रोड लाइट स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं है, सीवर लीकेज हैं, सीवर इतने छोटे हैं, कहीं पानी के पाइप भी लीकेज हैं, सीवर का पाइप भी लीकेज है, मिक्सिंग तक भी है। सरकारी स्कूल को की बहुत ज़्यादा कमी है शहर के अंदर कैपेसिटी से 10% स्कूल है, 90% बच्चे बाहर बर्बाद हो रहे हैं, 10-20 किलोमीटर लड़कियां बेटियां बसों में ट्रेनों में धक्के खा रही हैं। एक चीज़ और होगा ना कि विकास की प्राथमिकताएं आपने गिना दी, अब जबकि सरकार से कुछ, क्या धर्मेंद्र प्रधान या तमाम लोगों से बात हुई है कि वो आपको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे या फिर आप बाहर से रखकर समर्थन करेंगे? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, मंत्रिमंडल की बाहर से समर्थन देने की बात हुई है। समर्थन आप बाहर से देंगे जी। तो ये थे राजेश जून, निर्दलीय विधायक जीते हैं और साफ तौर पर है कि अब सरकार के साथ शामिल हो रहे हैं। एक ही महत्वाकांक्षा है कि किसी तरह से फंड मिले और सरकार के साथ रहेंगे तो फंड निश्चित रूप से मिलेगा, वहाँ पर विकास तेज गति से आगे बढ़ सकता है। कैमरामैन सुमन के साथ में अक्षर है, भारत 24 दिल्ली। देवेंद्र कादियान हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र भाई, एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही है? नहीं नहीं, बीजेपी में शामिल नहीं हो रही, हम सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जिस तरह से आज ये धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई, तमाम नेताओं से मुलाकात हुई, तो आगे का प्लान क्या है, किस तरह से आपने? आगे का कोई प्लान नहीं, हम अपनी इच्छा से यहाँ पर आए थे और हमने अपना समर्थन उनको जताया है कि भाई हम अपने विधानसभा में अपने हलके में विकास कराना चाहते हैं और हमारे हलके की भलाई इसी में है कि हम सरकार के साथ चले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल मैंडेट के साथ बन रही है, इसलिए हमने अपना समर्थन दिया है। जिस तरह से चुनाव में आप अलग हो गए थे, आपको वहाँ पर जीत मिली, ऐसा नहीं लगता था कि वोटर के साथ भी अगर इस तरह से रहेगा तो फिर कैसे आपको विश्वास कर पाएंगे? नहीं नहीं, देखिए वोटर ने गन्नौर के भविष्य के लिए, गन्नौर के विकास के लिए हमें वोट दिया और एक हमने कल एक आज एक महापंचायत की थी जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे और सब ने यही सहमति जताई कि आप सरकार के साथ जाइए, विकास कराना है तो सरकार के साथ रहिए। आज हमने महापंचायत में फैसला लिया। तो ये माना जाए कि अब बीजेपी के साथ रहेंगे और वहाँ की तमाम योजनाओं को ले जाएंगे? जी जी, हमने अपनी सरकार को हम समर्थन देने जा रहे हैं और उनकी सारी योजनाएँ ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो, इसलिए हमने समर्थन। तो ये थे देवेंद्र कादियान, निर्दलीय विधायक हैं, बीजेपी से हट करके उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते और अब बीजेपी को समर्थन दिया है। कैमरामैन सुमन के साथ में अक्षर है, भारत 24 दिल्ली।